गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 7 में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बताया था आपको। प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू उल। हम आपको प्रोसेस बताए थे कि कैसे फाइबर से उल में कन्वर्ट होता है और उससे हमें उल जो क्लॉथ होते हैं, उल क्लॉथ होते हैं और जो भी स्वेटर होते हैं, ये सब हमें कैसे प्राप्त होता है, ये आपको पूरा प्रोसेस उसमें बताए थे। और आपको मेनली 6 स्टेप आपको माइंड में रख लेना है कि हमारा जो 6 स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, ये हमारा जो है 6 स्टेप होता है। इसमें 6 स्टेप कौन कौन सा होता है आपको बताया था। हमारा शेयरिंग होता है, शेयरिंग के बाद स्कोरिंग होता है, सॉर्टिंग होता है और क्लीनिंग ऑफ बर्स होते हैं। क्लीनिंग ऑफ बर्स के बाद आपको बताया था कलरिंग होता है जिसको डाइंग बोलते हैं और लास्ट में रोलिंग होता है। इतना प्रोसेस जो है हमारा 6 स्टेप का प्रोसेस, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। जो प्रोसेस आपको समझ में नहीं आया है वो आप सुमंदर सर के मोबाइल पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमने इसको बताया था और ये हमें प्रोसेस आपको बताया था किससे प्राप्त होते हैं, ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। जो भी उल हमें प्राप्त होते हैं ये एनिमल से प्राप्त होते हैं। हम आपको बताए थे एनिमल से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। एनिमल से हमें 2 चीज़ प्राप्त होते हैं, उल प्राप्त होते हैं और एक सिल्क प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब सिल्क के बारे में एनिमल का प्रोसेस पढ़ लिए, अब सिल्क का प्रोसेस पढ़ेंगे कि सिल्क जो है, सिल्क का हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क जो है हमें प्राप्त होता है। तो सिल्क को जानने के लिए सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, और सिल्क आपको मालूम है कि सिल्क किससे प्राप्त होता है, एनिमल से प्राप्त होता है। तो ये आपको जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सेरीकल्चर के बारे में, सेरीकल्चर होता है क्या, ठीक है। सिल्क हो गया, अब सबसे पहले इसमें जानेंगे सेरीकल्चर क्या होता है। ये आपको कीवर्ड में आएगा कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर जो होता है हमारा, जो सिल्क वर्म से जो हमें सिल्क प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क वर्म वर्म्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क इज कॉल्ड ए सेरीकल्चर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर होते हैं, जो हमें ऑब्टेनिंग सिल्क प्राप्त हो जाते हैं। यानी हम सिल्क वर्म का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, रेयरिंग करते हैं उनका, हम पालन पोषण करते हैं जिससे तभी हमको सिल्क वर्म सिल्क जो है हमें प्राप्त होगा, ठीक है। ऑब्टेंड सिल्क इज कॉल्ड एज सिल्क इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये आपको सेरीकल्चर समझ में आया, सेरीकल्चर जो सिल्क वर्म एनिमल जो होता है सिल्क वर्म, वो क्या करते हैं, उससे जो हमें सिल्क प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये आपको रखना है सेरीकल्चर क्या होते हैं। अब इसका जो है हम लोग लाइफ हिस्ट्री जानेंगे, लाइफ हिस्ट्री क्या होता है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसको माइंड ध्यान से देखिए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है हमारा सिल्क होते हैं, सिल्क जो होते हैं सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ होते हैं, सिल्क के कीड़ा होते हैं, वो कीड़ा ले लेते हैं। और ये कीड़ा जो कैसे होते हैं, ये कीड़ा जो होते हैं हमारे, एक होते हैं मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल। हमारा एक सिल्क मॉथ होता है, सिल्क मॉथ में हमारा एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ये दोनों जब क्रॉस करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये दोनों जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है। आप अपने बुक में भी इसको ओपन करके देख सकते हैं, पेज नंबर 28 है, आप अपने बुक में जो है उसको ओपन कर लीजिए, एक्टिविटी 3.4 है, ठीक है।
ठीक है। तो इसको बुक में भी आप देखते रहिएगा कैसे समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिल्क मोथ आते हैं, सिल्क मोथ में एक मेल होता है एक फीमेल होता है, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है, रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एग प्राप्त होता है। और ये एग जो है, एग जो है हमारा इसमें से एक से हमें क्या करता है, कैटरपिलर लार्वा, कैटरपिलर लार्वा प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर लार्वा, या इसको बोलते हैं सिल्क वर्म, या इसको क्या बोलते हैं, सिल्क वर्म, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब ये मेल और फीमेल क्रॉस करते हैं तो हमें एक प्राप्त होता है, और एक से फिर क्या होता है, हमें कैटरपिलर लार्वा, वो क्या है, अपने पत्ती पर जो होते हैं लीफ्स होती हैं उन पे वो अपना अंडा देते हैं, तो उसमें कैटरपिलर लार्वा प्राप्त होते हैं उस, या सिल्क वर्म प्राप्त होते हैं। फिर सिल्क वर्म से क्या होते हैं, सिल्क वर्म से फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, क्या आता है, प्यूपा, प्यूपा आता है। और प्यूपा में ही क्या होता है, प्यूपा में ही, प्यूपा को ही हम लोग कोकून बोलते हैं, कोकून, कोकून बोलते हैं। प्यूपा में ही क्या होता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, कोकून आता है। प्यूपा के बाद क्या आता है आपका, प्यूपा के बाद जो होता है इसमें, प्यूपा में क्या होता है, प्यूपा में इसमें जो होता है, इसमें से सिल्क वर्म में ये क्या होता है, इसमें धीरे धीरे सिल्क वर्म ग्रोथ करने लगते हैं। जब ग्रोथ करने हैं तो प्यूपा में, जब प्यूपा के स्टेज में आते हैं तो अपना एक साइड में, ऊपर के साइड में एक लेयर बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपने को सुरक्षित रखते हैं, अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। ये होता है प्यूपा, ये एक लेयर बना लेते हैं, ये अपना एक लेयर बना लेते हैं जिससे ये अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो ये लेयर क्या होता है, बाद में क्या होता है, कोकून विद द डेवलपिंग मोथ, और इस तरह ये लेयर क्या होता है, धीरे से हटता है और ये डेवलप यहाँ से करने लगते हैं, मोथ जितने भी सिल्क मोथ होते हैं वो डेवलप करने लगते हैं, डेवलप सिल्क मोथ, यानी लेयर हट जाता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, जितने भी सिल्क वर्म रहते हैं वो धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस हमारा क्या होता है, सिल्क मोथ होता है, सिल्क मोथ यानी सिल्क वाले के रेशम की कीड़ा, रेशम कीड़ा वो जिसको बोलते हैं हिंदी में, रेशम कीड़ा जो है, रेशम कीट जो है, ये अपना मेल और फीमेल से क्रॉस करते हैं तो हमें एग प्राप्त करते हैं। ये पत्तियों पर क्या होता है, अपना एग दे देते हैं, और ये एग से जो है हमें एक सिल्क वर्म प्राप्त होता है। सिल्क वर्म जो है धीरे धीरे अपना ग्रोथ करने लगते हैं, और ग्रोथ करने के बाद जो है प्यूपा में कन्वर्ट होता है। प्यूपा जो होता है हमारा एक लेयर होता है, उसमें एक पतला सा लेयर बनता है, तीन लेयर, जो उनको प्रिवेंट करके सुरक्षित करके रखता है। और ये हमारा लेयर प्यूपा जो होता है, जिसको कोकून भी बोलते हैं, ये अपने आप प्यूपा और कोकून में डिफरेंस ज़्यादा नहीं समझिएगा, दोनों एक ही स्टेप है, ठीक है। तो प्यूपा या कोकून बोलेंगे, तो कोकून में जो होता है हमारा, इसमें फिर उसके बाद जो है डेवलप सिल्क मोथ, उसके बाद सिल्क मोथ धीरे 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 क्या होते हैं, डेवलप करने लगते हैं, अपना विकास करने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस इसमें होता है, और आपको जो है अच्छी तरीके से थोड़ा आप अपने बुक में भी पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से थोड़ा समझ में आएगा। और जो है फिगर के साथ आप देखिएगा, इसमें कोई प्रोसेस खास नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे बताना है आपको। सिल्क मोथ होता है, सिल्क मोथ जो रेशम कीट बोलते हैं, उसको हम दोनों का क्रॉस कराते हैं, हमें एक प्राप्त होता जाता है, और एक प्राप्त होने के बाद क्या होता है, हमें कैटरपिलर लार्वा निकलता है, या जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं, ठीक है। सिल्क वर्म हमारा होता है, और सिल्क वर्म जो होता है हमारा ये प्यूपा, सिल्क वर्म से हमें प्यूपा प्राप्त होता है, प्यूपा से हमें एक लेयर उसमें बन जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो लेयर हटता है, तो धीरे धीरे डेवलप करना विकास करना अपना स्टार्ट कर देते हैं, वो इसी लेयर के अंदर जो है अपना डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हमारा पूरा जो है लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मौत का या सिल्क वर्म का, ये आप अपने बुक में देख लीजिएगा। और आपको नेक्स्ट टॉपिक में प्रोटीन्स, कोकून, ये सब के बारे में भी एक बार डिटेल में बताएंगे, कोकून्स से मलबेरी सिल्क क्या होते हैं, और इसी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे।
ठीक है, आज का बस वीडियो इतना ही। आपको जो इसमें इस प्रोसेस में अच्छी तरीके समझ में नहीं आया होगा, आप जो है अपने व्हाट्सएप पे शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जो है आप अपने अपने पास कॉपी पेन और बुक लेकर साथ में बैठिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको रिपीट कर रहे हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है आप बिल्कुल सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। और कल जो है हम आपको एक्टिविटी 3.5 के बारे में पढ़ाएंगे। एक्टिविटी 3.5 में आपको भी प्लांट के बारे में है, कोकून टू सिल्क, हमें कोकून से कैसे सिल्क प्राप्त होता है कोकून से, तो ये सब आपको पूरा डिटेल में कल आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच।